उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों की जब बात आती है तो इस शहर का अतीत और इतिहास बहुत खास रहा है। कटारमल सूर्य मंदिर के बर्तनों को साफ करने वाली घास के नाम पर पड़े इस शहर का नाम हो या फिर कत्यूरी और चंद वंश के राजाओं का कई शताब्दियों का शासन, गढ़वाली और कुमाऊनी राजाओं के बीच हुए युद्ध हो या फिर गोरखाओं और अंग्रेजों का यहाँ अधिकार, बहुत ही खास है उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर का इतिहास। और यहाँ से होता था कभी पूरे कुमाऊं पर राज। तो आज मैं पहुंच गई हूँ अल्मोड़ा। सबसे पहले अल्मोड़ा के इतिहास की बात करें तो जानते हैं कि इस शहर का नाम अल्मोड़ा कैसे पड़ा। इसके नाम की कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना कि यहाँ का इतिहास। यहाँ अल्मोड़ा से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है यहाँ का कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि 9वीं शताब्दी का बना है। कटारमल सूर्य मंदिर के बर्तनों को साफ करने के लिए एक खट्टी घास यूज होती थी, जिसे किलमोड़ा, चिलमोड़ा, भिलमोड़ा या अल्मोड़ा कहते थे। अल्मोड़ा के खस जाति के लोग उस खट्टी घास को यहाँ अल्मोड़ा से कटारमल सूर्य मंदिर ले जाया करते थे और इन लोगों को अल्मोड़िया कहते थे। कहते हैं कि बाद में इन्ही लोगों के नाम पर इस शहर का नाम अल्मोड़ा पड़ा। इस नाम की कहानी के अलावा भी पुराने समय में अल्मोड़ा दूसरे नामों से भी जाना जाता था। अल्मोड़ा के पुराने नामों की बात करें तो कत्यूरी और चंद राजाओं के शासनकाल में इस शहर के दो नाम प्रमुख थे, जिनमें से पहला था आलमनगर और दूसरा राजापुर। इसके अलावा चंद वंश के समय के जो तांबे के सिक्के मिले थे उनमें भी राजापुर नाम मेंशन था। अपने पुराने रंग बिरंगे घरों, फेमस बाजारों, स्वादिष्ट मिठाइयों, मंदिरों और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आज प्रसिद्ध इस शहर के इतिहास की बात करें तो इसका सबसे पहला उल्लेख कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में मिलता है। कत्यूरी शासनकाल में एक राजा थे, राजा बैचलदेव, जिन्होंने यहाँ अल्मोड़ा की बहुत सी जमीन एक गुजराती ब्राह्मण श्री चंद तिवारी को दान में दे दी थी। कत्यूरी शासन कुमाऊं में खत्म होने के बाद जब यहाँ चंद वंश का शासन शुरू हुआ और उनका राज्य तेजी से बढ़ रहा था, तब उन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर यहाँ अल्मोड़ा में बना दी। जब चंद शासकों ने अल्मोड़ा में अपनी राजधानी बसाने की सोची तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीन तो कत्यूरी राजा ने पहले ही गुजराती ब्राह्मण श्री चंद तिवारी को दे रखी है। तब चंद शासक ने नाप के श्री चंद तिवारी की जमीन अलग कर बाकी की जमीन पर अपना महल और घर बसाए। चंद शासकों ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा से राजकाज के लिए एक महल का निर्माण किया, जो था मल्ला महल। और आज भी ये मल्ला महल अल्मोड़ा शहर में एक आकर्षण का केंद्र है। ये है मल्ला महल, जो कि अल्मोड़ा की एक खास ऐतिहासिक धरोहर है। मल्ला महल का निर्माण चंद वंश के राजा रुद्रचंद ने
1588 में करवाया था। तब यहीं से सारे कुमाऊं, जिसमें कि बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ भी आते थे, यहीं से चंदवंश अपना राजकाज किया करते थे। पहले उनकी राजधानी चंपावत थी और बाद में जो है उन्होंने यहाँ अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दी और ये मल्ला महल बनाया, जिसका मतलब था ऊपरी दरबार। यहाँ के जानकार बताते हैं कि यहीं पे जो ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पे रानी महल हुआ करता था, जहाँ से कि अंदर ही अंदर एक सुरंग जाती थी तल्ला महल को, जो कि उस समय नीचे था। आज के समय में अल्मोड़ा का नंदा देवी का जो मंदिर है, पहले वहाँ नंदा देवी की मूर्ति नहीं थी। नंदा देवी की मूर्ति को चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद गढ़वाल से अल्मोड़ा लेके आए थे और यहीं अल्मोड़ा में उन्होंने इस मल्ला महल में उस मूर्ति को स्थापित किया था। तब ये किला नंदा देवी किला के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद जब अंग्रेजों का यहाँ शासन हुआ तो उस समय के कमिश्नर ट्रेल ने नंदा देवी की मूर्ति को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया, जहाँ की आज नंदा देवी मंदिर है। राजा बाज बहादुर चंद जब गढ़वाल के बधानगोट किले से नंदा देवी की प्रतिमा को यहाँ ले आए थे और उन्होंने मंदिर बना दिया था, उसके कई सालों बाद राजा जगत चंद हुए और जब वो बधानकोट किला गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ नंदा देवी की मूर्ति नहीं थी और तब उन्होंने जो है अपने खजाने से कुछ अशर्फियाँ निकाल कर और उसे गला कर एक नंदा देवी की प्रतिमा बनाई और फिर उन्होंने उस नंदा देवी प्रतिमा को भी यहाँ नंदा देवी मंदिर में लाकर स्थापित कर दी। यहाँ रानी किला हुआ करता था, जिसके अंदर रानियों के कमरे थे और वो वहीं से जो है गुप्त सुरंग से स्नान करने नीचे तल्ला महल में जाया करती थी। तो यहाँ महल से आप देखेंगे तो अब तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है आपको इतने अच्छे व्यूज़ नज़र आएंगे, अल्मोड़ा जो है यहाँ से नज़र आएगा। शायद यही वजह थी कि उन्होंने चंदवंश के राजाओं ने इस हाइट पे जो है इस महल को बनाया। अगर अल्मोड़ा शहर के स्थापना की बात की जाए तो इसका श्रेय चंद वंश के राजा कल्याण चंद को जाता है। राजा कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में सन 1560 से 1568 तक राज किया। इसके अलावा कहा जाता है कि अल्मोड़ा के जो बाजार हैं, उनकी स्थापना भी राजा कल्याण चंद के समय में हुई थी और आज अल्मोड़ा के ये बाजार अल्मोड़ा की एक खास पहचान बन चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अल्मोड़ा के एक पुराने मार्केट लाला बाजार की तरफ। यहीं से स्टार्ट होने लगता है लाला बाजार और यहीं आपको जो है शुरुआत से गली की जो दीवारें हैं उस पे जो है कुमाऊनी ट्रेडिशनल आर्ट देखने को मिल जाएगी। अल्मोड़ा में पुराने जो बाजार हैं जितने भी, उनकी स्थापना चंद वंश के राजा कल्याण चंद के समय से स्टार्ट हुई थी। यहाँ के कुछ पुराने बाजार हैं लाला बाजार, पलटन बाजार, थाना बाजार आदि। और इनके मार्केट की जो पुराने मार्केट हैं, उनकी खास बात ये है कि आपको रंग बिरंगे मार्केट मिलेंगे देखने में और दोनों तरफ आप दिखेंगे तो आपको पुराने स्टाइल में बने रंग बिरंगे घर नज़र आएंगे।
यहाँ जितने भी मार्केट हैं वो एक के बाद एक हैं लग के, और इन सारे मार्केट की गलियाँ ख़त्म होती हैं यहाँ पल्टन बाज़ार में। पल्टन बाज़ार के नाम के पीछे की एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि पहले इस जगह का नाम लाल मंडी था, जहाँ की जो है पहले सेनाएं रहा करती थी, और उनके रहने की वजह से ही बाद में इस जगह का नाम हो गया पल्टन बाज़ार। पल्टन बाज़ार से चलते चलते एक और मार्केट आ गया है, ये है थाना बाज़ार। ये है खजांची मोहल्ला। रॉयल कैपिटल होने की वजह से अल्मोड़ा के जितने भी सोने चांदी और बाकी के वैल्यूएबल आइटम होते थे वो इसी एरिया में मिलते थे, और इसी खजांची मोहल्ले से लगकर है जौहरी बाज़ार, जहाँ से आप ट्रेडिशनल गहने ले सकते हैं कुमाऊँ के, जैसे कि नथ, चूड़ियाँ, हार एक्सेट्रा। खजांची मोहल्ला जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एक मंदिर भी है जिसे श्री रघुनाथ मंदिर कहते हैं। जौहरी बाज़ार में ही एक शॉप है जहाँ मैं गोलगप्पे खाने आई हूँ। जितने भी आपको यहाँ पुराने शॉप दिखेंगे वो कुछ ऐसी दिखेंगी। ये ऊपर आप देखेंगे पूरी लकड़ी की छत बनी हुई है। तो आ गए हैं दही बतासे, और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ ऐसे दिखते हैं। और साथ में आ गया है इसके साथ ये खट्टा मीठा पानी। तब जल्दी ट्राई करते हैं क्योंकि वरना इनमें जल्दी से जो है छेद होने लगता है इसमें। तो अभी ये सही है इनकी हालत थोड़ा। तो स्वाद का ब्लास्ट हुआ है मुंह के अंदर, खट्टा मीठा तीखा सब कुछ है इसमें। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनको खाने में। तो अभी मैं कम बात करती हूँ और खाती ज़्यादा हूँ। ये है अल्मोड़ा का सबसे खास और पुराना बाज़ार, लाला बाज़ार। तो सबसे ज़्यादा चहल पहल आपको इसी मार्केट में देखने को मिलेगी। लाला बाज़ार से लगकर ही स्टार्ट हो जाता है कचहरी बाज़ार। चंद वंश के बाद आया गोरखा शासन। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अटैक कर दिया और महेंद्र चंद को पराजित किया। महेंद्र चंद चंद वंश के आखिरी शासक थे। 1790 से 1815 तक गोरखा शासन चला, यानी कि 25 साल तक गोरखाओं ने यहाँ राज किया। कुमाऊं को हराने के बाद गोरखा गढ़वाल की तरफ बढ़े, और इसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया। कुमाऊं की हिस्ट्री में सबसे क्रूर और अत्याचारी शासन गोरखाओं का ही माना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं पर कब्जा करने के बाद गोरखा ब्रिटिश राज में घुसने लगे और उनके काम में टांग अड़ाने लगे। नतीजा हुआ एंग्लो गोरखा वॉर। 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। 1814 में ये युद्ध हुआ और गोरखाओं को हार का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद कुमाऊं उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, और बाद में सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। इस नए राज्य के दो मेन डिवीजन थे, कुमाऊं और गढ़वाल, और ये कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं अल्मोड़ा बना उत्तराखंड का एक मेन हिल स्टेशन। एक तरफ है कोसी नदी जिसे कौशिकी कहते हैं,
और दूसरी तरफ है सुयाल नदी जिसे शालमली कहते हैं, और इन दोनों नदियों के बीच एक पर्वत की पीठ पर बसा हुआ है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को ही पहले कुमाऊँ कहा जाता था क्योंकि अल्मोड़ा कुमाऊँ का सबसे बड़ा शहर। अल्मोड़ा की भव्यता का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुमाऊँ के दूसरे शहर जैसे बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये सब अल्मोड़ा के ही हिस्से थे और बाद में ये अल्मोड़ा से अलग होकर नए जिले बने। लाला बाजार से लगकर ही है अल्मोड़ा की माल रोड, जहाँ की आप यहाँ की फेमस शॉप से लेकर बड़े बड़े होटल्स और यहाँ का इकलौता मॉल देख सकते हैं। अगर आप अल्मोड़ा आए हैं तो बाल मिठाई का तो आपने सुना ही होगा, तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे बाल मिठाई लेने। मेरे पीछे जो आप ये शॉप देख रहे हैं खीम मोहन सिंह रौतेला जी की, ये सबसे फेमस शॉप है मिठाई के लिए। तो चलिए मैं जल्दी से जाती हूँ और मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये है रघुनाथ सिटी मॉल। ये अल्मोड़ा का इकलौता मॉल है जो कि अल्मोड़ा के मेन मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप अल्मोड़ा आते हैं और शॉपिंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो इस मॉल में आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। माल रोड और लाला बाजार घूमने के अलावा आप यहां का प्राचीन नंदा देवी मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका कि अल्मोड़ा के इतिहास में एक खास स्थान है। यह है अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर। मल्ला महल से अंग्रेजों द्वारा नंदा देवी की मूर्ति को यहीं शिफ्ट किया गया था। यहाँ 2 शिव मंदिर है, पहला है पार्वतीश्वर मंदिर और दूसरा है उद्योग चंदेश्वर मंदिर, और उद्योग चंदेश्वर मंदिर में ही नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी और इसी के बाद से ये पूरा मंदिर नंदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। नंदा देवी मंदिर की खास और डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। मैं आ गई हूँ अभी माल रोड की एक फेमस डेयरी दीवान डेयरी में, जहाँ की जो है लस्सी बहुत फेमस है। तो चलते चलते जो है थोड़ी थकान हो गई थी तो सोचा एक लस्सी देख लेते हैं। तो अब मैं जो है इसे टेस्ट करती हूँ कि कैसी है। बहुत टेस्टी लस्सी, अभी आप देखेंगे इस पर कितनी मलाई है ऊपर, एकदम थिक मलाई का जो है लेयर बनी हुई है, फ्रेश और प्योर लस्सी। अगर आप अल्मोड़ा की वादियों के खूबसूरत व्यूज का मजा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ के मेन व्यू पॉइंट ब्राइटन कॉर्नर जा सकते हैं। तो ये है ब्राइटन कॉर्नर, अल्मोड़ा का एक मेन व्यू पॉइंट। मैं थोड़ा नीचे की साइड आ गई हूँ। इस पॉइंट को विवेकानंद कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है, और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक विवेकानंद जी का एक बड़ा सा स्टैचू भी नज़र आएगा। माल रोड में पोस्ट ऑफिस के पास ही एक अच्छा कैफ़े है जिसका नाम है बैठक, और वहीं जो है मैं आज आ चुकी हूँ और आज का डिनर होने वाला है मेरा इसी कैफ़े में। तो चलिए सबसे पहले मेन्यू देखते हैं।
आ गया है मेरा खाना, ये है अफगानी चिकन मोमोज, साथ में है वेज मोमोज और साथ में है चीज़ बर्गर। तो ये था बैठक कैफ़े, डिनर मैंने कर लिया है, अभी उजाला है लेकिन मेरा डिनर हो गया है और जो भी आइटम मैंने ऑर्डर किया था सब कुछ बहुत डिलीशियस था, तो मैं देती हूँ इसे फुल मार्क्स। ये था मेरा अल्मोड़ा सीरीज़ का पहला वीडियो। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी अल्मोड़ा के कुछ खास प्लेसेस।